राम राम भाई सारे भाइया ने, भाई कई भाइया ने कमेंट करे और पर्सनल मैसेज भी करा, फोन भी करा। पहलवान जी आप अपनी वीडियो में अपने पिताजी को नहीं दिखाते। भाई मैं उनको मिलाता हूँ आज इस वीडियो के जरिए, ब्लॉग के जरिए। भाई उनका ऑपरेशन हुआ था, वो कैसे हैं, स्वस्थ है नहीं है, उन्हीं से जानेंगे। और भाई बहुत मुश्किल संघर्ष रहा है उनका, और मिलाते अपनी पूरी फैमिली से। भाई लोग तो शहर में डैडी कहते हैं, कोई फादर कहता हुआ, मामते बाबू का आ रहा। ये है मेरे पिताजी, और भाई ये मेरी माता जी है, और भाई ये मेरा भाई है। पूरी हमारी 4 सदस्य की फैमिली है। और भाई ये मेरे पिताजी है। और वो ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा जो ऑपरेशन हुआ उसमें दर्द है? दर्द हुआ था। नहीं ठीक से ना है? ठीक से। ये कोई दर्द उदर्द? नहीं ना कुछ कोई दर्द नहीं है भाई। डॉक्टर ने ये कह दी थी भाई 1% बचने के चांस है, 99% मरण के हैं। और भाई मेरे दर्द सहन करा दिए थे, और मेरे बाबू की आँखें में आंसू आ गया था। एक दर्दनाक समय था, और कि अगर ऑपरेशन कराना ज़रूरी था, लेकिन आप लोगों की दुआ से ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। और एक और बात बता दूँ मैं, जो खेल खुद दिन की उम्र है ना, उस उम्र में मेरे बाबू ने काम संभाल लिया। 14 साल की एज में मेरे बाबू ने जिम्मेवारी संभाली थी ना बू। अच्छा वो मेरी बुआ कितनी है? 4। टोटल कितने थे तुम्हें? 7। 7 थे मेरे बाबू और बाण भाई। बाण कितनी थी बू? 4। 4 बाण थी और भाई 3। सारे की जिम्मेवारी 14 साल की एज में नू संभाले थे, क्योंकि मेरे दादा का लग गया लखवा, और भाई वो हो गया था लंगड़ा, तो चल फिर नहीं सका था, तो मेरे बाबू ने काम करना पड़ा था। और तब वो 14 साल की एज में हल चलाने लगा था। 14 की क्या पढ़ रहा है अबू? 5 पढ़ रहा था। 5 पढ़ रहा है। अरे भाई वो क्या ना है, एक और बात है हंसी मजाक की है थोड़ी ही, मेरा बाबू एक क्लास में कई कई फेल हो गया था। नुका था एक भाई आगे बढ़ा ना बढ़ा है नुका था, मेरा बाबू ने मेरे दादा था इस बाबू इस तो बढ़ गया को क्लास है एक हो गया कुछ क्लास में बाबू पांचवी तक ही गया, उस फेल हो जाता उसे बैठ जाता मजाक करता, ना दान था ना उम्र छोटी थी। अच्छा बाबू मेरी बुआ क्या पढ़ाई? 12-13 पढ़ी थी, बी ए पढ़ी थी, बी ए कोर्स करवाए दोनों आगे मास्टरी लगवाई। यानी कि मेरी बुआ 4 थी ना, पढ़ाई सारी थी, लेकिन वो 2 नहीं पढ़ी, कम पढ़ी, लेकिन 2 ना पढ़ा के बी एम ए करा के सरकारी टीचर लगवा दी थी। फिर उसके बाद मेरे बाबू ने ना अपने फ्यूचर की नहीं सोची, मेरे काका था उसके उसको पढ़ाया भाई, फिर उसके मेरे काका गुजर गया था बालकपन में। फिर मेरे बाबू ने, हम 5 बाण भाई है, 3 बाण है, 2 भाई हम, मेरी बाण पढ़ाई वह भी, मेरी बड़ी बाण है वह भी टीचर लगवाई, लगी नहीं सरकारी वाली, कोर्स कराया, कुछ पैसे मांग रहे थे हम दे नहीं पाए थे, लेकिन वह भी सरकारी नौकरी लग जाती संस्कृत की टीचर। और भाई मैं भी खाड़े में 15-20 साल मैं भी खाड़े में छोड़ दिया, मैंने बहुत इतनी महंगाई में यार अपना पेट पालना बहुत मुश्किल काम है। मेरे बाबू ने क्या क्या घर चलाए, क्या क्या पढ़ाए, अपना फ्यूचर कितनी देखा, इसलिए पीछे है, क्योंकि अपना सोचता तो मेरा बाबू भी सबसे आगे होता, लेकिन जो मेरी बुआ है सारे रिश्तेदार है सारे बढ़िया है तगड़े है ओहदे पर है, हर एक नौकरी करते हैं, लेकिन इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सब अपने स्वार्थी हो हैं भाई, आधेले कोई नहीं पूछता, कोई कहा होता पैसा तो अलग पूछते हैं अलग कैसा है, और भाई गरीब का कोई साथी नहीं होता, गरीब को पास नहीं जाता, तो चाचा सिद्ध गए हमने किसी किसी काम के खातर तो दूर दूर तक हेलो आए रखते हैं, पर कोई नहीं समय बदलाएंगे, मेहनत कराएंगे, आगे बढ़ाएंगे। पैसा है तो लोग पूछते हैं कैसा है, सब रिश्तेदार भी आते हैं पैसा है तो गरीब है, गरीब है कोई नहीं पैर रखता, तो चाहे वो कि इन्हें क्या देना क्या खाना क्या पीना, तो दूर दूर रहते हैं, लेकिन सदा सदा समय एक सा नहीं होता, और भगवान सब का रखवाला है, मेहनत कराएंगे। और भाई आप बहुत प्यार देते हो, हर एक वीडियो लाइक करते शेयर करते हो, और भाई मैंने माँ बाप ने भाई सुख देवा सेवा देवांगे। और ये मेरा भाई है मनजीत, क्या नाम तेरा? मनजीत पहलवान। मनजीत पहलवान बदलाओ अपने आगे, पहलवान क्योंकि खाड़े में गया था कदे? कद गया था? 1 साल। 1 साल झूठ बोलता है भाई, ना था ना थोड़ा वैसे एम समझ है, मजाक करता है वैसे बहुत सादा है, और भाई इतने हाथ पा इतने कड़े है, रस्से ने डम्बला ने ना कई कई चढ़ के दिखा दे है, और कदे खाड़े में आ गया वैसे चला जा घूमने फिरने, और भाई बहुत जानदार बाहर है, इतना बरोटा लिया आदमी उठा को इतना बारह बरोटा ठा लिया, और बहुत मेहनती है, और जो खाने की कोई डाइट नहीं है, जो शीत फजा सारे शीत ने पी जाए सारी रोटी रोटी खा जाएगा वही, जो खाली कर दिया मिनट में, खुराक बहुत तेज है। और भाई यह मेरी माँ है,
माता मैं कई बार मिला लिया, आपने हर एक वीडियो में देखी होगी। माँ कितनी उम्र होगी? 65 साल होगी। और बूतेर कितनी होगी? 70 साल उम्र होगी मेरे बाबू की। और भाई फिर भी जवानी में अच्छी खुराक खा रखी है, करड़ा है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अच्छे दूध घी खा रहा। और तो भाई यह थी अपनी छोटी फैमिली। और भाई आपको एक कैसी लगती है वीडियो, इसको लाइक करा रहो, शेयर करा रहो। और भाई आप बहुत प्यार देते हो, आप कहते हैं जिसे धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए और मेहनत करके आगे लिखनाएंगे। आप बस साथ दो, बस थैंक यू।